आप लोगों ने पांचवा क्वेश्चन पूछा है 12.2 का। पांचवा क्वेश्चन ये है आपके पास। हमने मान लिया P जो है इसका जो निर्देशांक है एक्स वाई जेड है, जिसका हमें समीकरण बताना है, और बेटा ये A है 400, B माइनस 400। इसने कहा है P से A और B के बीच की जो दूरी का योग है, यानी पी ए प्लस पी बी बराबर कितना है 10। ठीक होगी बात यहाँ तक, तो बेटा रखो इसका मान पी ए प्लस पी बी बराबर 10। सबसे पहले पी ए, पी ए का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ है आपके पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात। प्लस पी बी, पी बी भी सेम यही चीज है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर और बराबर क्या है 10। तो कहने का मतलब पी ए आ गया आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पी बी आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों का जो टोटल है वो 10 है। अब आप एक काम करो, एक को इधर ही रोक दो, इसको आप लिख दो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर, इसको आप उधर की तरफ ले गए 10 माइनस, और यहाँ आया आपके पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब आप क्या कर दो बेटा, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब आप दोनों ओर वर्ग करेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये तो अलग रूट हट गया, इधर इट इज a, इट इज b, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 100 प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 10 10 20, और रूट आ गया आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा आप लोग x y स्क्वायर z स्क्वायर से y स्क्वायर z स्क्वायर कैंसिल। अब ये रूट वाला जो माइनस वाला पार्ट है ये वाला, इस पूरे को आप इधर ले आओ, तो जब आप इधर लाएंगे इसको 20 और रूट में आया आपके पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर, ये तो पूरा पूरा पार्ट इधर आ गया। इधर क्या क्या बचा, एक तो ये 100 ही बच रहा ऊपर वाला, और प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर ये बच रहा, ये उतार दिया, इधर से क्या आया माइनस x माइनस 4 पूरा का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, 100 प्लस इट इज ए इट इज बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक बार जब जोड़ेंगे इसको 4 से 4 कैंसिल 2x आएगा, एक बार इसको घटा दो जब घटाएंगे माइनस x, x x कैंसिल 4 और 4 8 आएगा। मेरे हिसाब से आना चाहिए 100 प्लस 16x, और इधर जो है आपके पास 20 तो पूरे के बाहर है ही, रूट बना है आपके पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करना, और फिर से जब आप वर्ग करेंगे 20 का स्क्वायर 400 और रूट वाला सिस्टम खत्म, और यहाँ आया x प्लस 4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर 400 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 16, मुझे लग रहा 256 होंगे x स्क्वायर, और प्लस 2ab 16 गुणे 3200x। तो भैया अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो, बस अब तो कर ही लोगे, x प्लस 4 के होल स्क्वायर में 400 के अंदर गुणा y स्क्वायर z स्क्वायर, और इधर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो भाई, थोड़ा सा तो कर ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। चलो तो इस काम को मुझे उम्मीद है तुम कर लोगे। तो बेटा नया जो टॉपिक शुरू होता है हमारा, नए टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आता है वो है विभाजन सूत्र। देखो बच्चों आज जो हम शुरू करेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का मतलब क्या हुआ, सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, मान लो ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट ए है जिसके निर्देशांक x1 y1 z1, ये एक पॉइंट बी है जिसके निर्देशांक x2 y2 z2। ठीक है, और बेटा ये एक पॉइंट पी है जिसने इस ए बी लाइन को
एम और एन के अनुपात में कट कर दिया और पी के जो निर्देशांक है वो है एक्स वाई जेड। समझो बात को जो मैं कहना चाह रहा भाई, ये जो पी है ये मध्य बिंदु नहीं है, इस पी ने इस ए बी लाइन को एम और एन के अनुपात में काट दिया, जैसे 1:2, 3:5 ऐसे काट दिया। तो भाई इस पी के जो निर्देशांक होंगे, पहले भी आप लोग पढ़ चुके इसको, पी का जो निर्देशांक है एक्स बराबर, वो क्या होगा, एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और पूरे के अपॉन में एम प्लस एन। ये बात मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका भाई, शायद पीछे जो रेखा पड़ी थी उसमें था शायद। तो ये आता है, देखो बेटा एम की गुणा इधर होती है एक्स टू, एन की गुणा इधर होती है एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। एक्स वाला तो एक्स वाले में ही होगी, वाई वाला तो वाई वाले में होगी। ऐसे ही वाई बराबर आएगा एम वाई टू एन वाई वन और पूरे के अपॉन में एम प्लस एन। ऐसे ही जेड बराबर एम जेड टू प्लस एन जेड वन और पूरे के अपॉन में एम प्लस एन। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, यदि एम बराबर एन, एम बराबर एन अगर है तो पी क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु नहीं होगा भाई। तो पी अगर ए बी का मध्य बिंदु होगा तो मुझे लग रहा कि एक्स बराबर सीधा कितना आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू वाई टू और जेड बराबर जेड वन प्लस जेड टू और वाई टू। ठीक होगी बात यहाँ तक, तो आप सबकी समझ में आ भी गई होगी बात, क्योंकि हमने एम बराबर भी एन रख दिया, चाहे आप रख के देख लो। उसके बाद बेटा अगर अंतह की जगह ये विभाजन कहाँ हो जाए, बाहर। और बेटा वाई विभाजन के बारे में तुम्हें पहले भी बता चुका, फिर से बता रहा हूँ। देखो वाई विभाजन में क्या होता है, ये एक लाइन है, ये ए है, ये बी है, ए के निर्देशांक एक्स वन वाई वन जेड वन, बी के निर्देशांक एक्स टू वाई टू जेड टू। तो इस बार जो पॉइंट है वो पी बाहर है बेटा। ऊपर आप देखो पी से लेके ए तक की दूरी एम थी, पी से लेके बी तक की दूरी एन थी, यहाँ भी वही, पी से ए तक की दूरी एम और पी से बी तक की दूरी एन, ठीक है। इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन, यानी पी जो है बाहर से ही विभाजन कर रहा है। पी की ए तक की दूरी एम है, बी तक की एन है और पी हमने क्या माना एक्स वाई जेड। तो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा उसमें माइनस आएगा बस, जैसे यह है ना, मैं लिख नहीं रहा, एक्स बराबर एन एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एन माइनस एन, ठीक है बेटा। ये जो प्लस है इनकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो आप लोग खुद लिखेंगे इसको। अब इसके फॉर्मूले, सॉरी इसके जो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बताने शुरू करता हूँ। और बेटा आज का जो होमवर्क रहेगा उसमें आप उदाहरण जरूर करोगे, क्योंकि उदाहरण बड़े अच्छे अच्छे से दिए हैं इसमें, उदाहरण आप लोग जरूर करोगे। और हाँ एक चीज और, कई बार क्या है ये जो एम अनुपात एन है ना, चलो थर्ड पॉइंट भी इसमें डाल ही लो, यदि आपसे कोऑर्डिनेट ना ज्ञात करवाए, अनुपात ज्ञात करवाए, यदि अनुपात ज्ञात करना हो, अगर अनुपात ज्ञात करना हो तो ऐसी कंडीशन में के अनुपात वन लेते हैं, ठीक है भाई, क्या लेते हैं के अनुपात वन। इससे थोड़ा सा आसान होता है, आपको मैं क्वेश्चन में करके बताऊंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी भाई। जो हमारा देखो इसका मतलब क्या लो समझ लो आप लोग, जैसे ये है ना एम अनुपात एन है, आप एन से दोनों तरफ भाग कर दो तो एम अपॉन एन अनुपात वन और इसको आप के मान लो तो के अनुपात वन। इससे क्या है ना थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहेगी आपकी के अनुपात वन लेने से, बताऊंगा ना आपको, टेंशन ना लो। तो बेटा उदाहरण तो सारे करोगे ही करोगे, और ज्यादा नहीं इसमें क्वेश्चन 5 ही है, फिर विविध है, इसको आप करेंगे। तो ये है आपकी 12.3 एक्सरसाइज। तो मैं इसका एक क्वेश्चन तुम्हें बता दे रहा, वैसे तुम कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग इसमें दिक्कत नहीं करोगे जरा सी भी। और बेटा विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सरलरेख, लो भाई फोर्थ पॉइंट और बढ़ा लो भाई, विभाजन सूत्र
के प्रयोग से संरेख सिद्ध करना। देखो बेटा, विभाजन का जो सूत्र है इसके हिसाब से अगर आप किसी लाइन को संरेख सिद्ध करना चाहते हो तो यहां सिद्ध करने का क्या होगा, प्रत्येक के द्वारा अनुपात एक जैसा आएगा। कहने का मतलब, अगर आपको कहीं अनुपात निकालना पड़ जाए तो आप फॉर्मूला लगाओगे x बराबर mx2 plus nx1 upon m plus n, या अगर आप k अनुपात 1 देते हो तो kx2 plus 1x1 upon k plus 1, और यहां से k का मान ज्ञात करते हो तो बेटा x वाले से भी k का मान वही आएगा, y वाले से भी k का मान वही आएगा, z वाले से भी k का मान वही आएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु इतने 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 संरेख है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन ही देख लो, पहला दूसरा तो आसान से ही देखो। भाई फोर्थ क्वेश्चन, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। पहले बना लूंगा इनको मैं। ए जो दिया है आपका 2 - 3 - 4, ये ए। बी जो दिया है -1 - 2 - 1, और बेटा सी जो दिया है आपका 0, 1/3 और 2। भाई कोई चीज गलत ना उतार लियो, बस मैं भी उसी में से हूँ। तो आप अनुपात मान ले, भाई यहाँ से कुछ भी मान ले। आपने मान लिया बी जो है वो ए सी लाइन को, यहाँ लिख दो आप, माना बी को मान लगाओ ए सी रेखा को के अनुपात एक के अनुपात में विभक्त करता है। तो बेटा पी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाला, यानी -1, तो -1 बराबर क्या होगा भाई, देखो के की गुणा इधर की तरफ होगी, के इंटू 0 प्लस फिर 1 की गुणा इधर होगी 1 इंटू 2, और अपॉन में के प्लस 1, तो -k - 1 = 2, और -k = 3, और के बराबर -3। के का मान आ गया। चलो दूसरे से निकालो, वाई वाले से, तो वाई वाले से यानी 2 बराबर के की गुणा इधर के इंटू 1/3, भाई के इंटू 1/3, और 1 की गुणा इधर 1 इंटू -3, और पूरे के फॉर्म में के प्लस 1। तो के की जब मल्टीप्लाई करेंगे 2k + 2 बराबर k/3 और -3, तो आया 2k और -k/3, -3 - 2। तो बेटा जब एलसीएम लेंगे हम, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 5k/3 = -5। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, k बराबर -3। अगर बेटा k बराबर -3, वहां भी k बराबर -3, जेड वाले से निकालो कि तब भी k बराबर -3 आएगा, हर कंडीशन में यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये क्या है, संरेख है। तो बच्चों मुझे लगता है कि पहला जो क्वेश्चन है, बिंदु इतने इतने मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात इतना है, वाई अनुपात इतने, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं इसमें से, ना मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग कर लोगे। तो बेटा आज इसको करो, कल फिर प्रयास करेंगे विविध प्रश्नावली को कल कराया जाए, ज्यादा काम नहीं मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो बेटा विविध प्रश्नावली का प्रयास करेंगे कल कराया जाए। आज आप लोग इसी काम को करो, इसके उदाहरण और इसके क्वेश्चन कर लो आप लोग, ज्यादा नहीं 3-4 ही क्वेश्चन है, एक तो मैंने करा दिया, 5 क्वेश्चन है टोटल ना, अभी विद को कल करेंगे।